हरिद्वार के सभी पौराणिक मंदिरों में नवरात्रि को लेकर बड़ी धूमधाम देखने को मिल रही है। मां के दर्शन के लिए सभी मंदिरों को श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पैदल मार्ग से होते हुए मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में मां मनसा देवी, मां महामाया देवी में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं चंडी देवी के महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया है कि जो भी भक्त नवरात्रि में अष्टमी नवमी को मां के दर्शन करने पहुंचता है, इसकी सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं। इसके साथ ही सिर्फ चंडी चौदस के दिन ही मां चंडी देवी पर एक छोटे से मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें प्रशासन द्वारा भी चंडी चौदस को एक छुट्टी का प्रावधान किया जाता है, जिसमें हरिद्वार में छुट्टी होती है और उसमें काफी संख्या में लोग चंडी चौदस पर मां चंडी देवी के मंदिर में पहुंचकर मां भवानी का आशीर्वाद लेते हैं। मां चंडी देवी ट्रस्ट द्वारा यहां पर श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रबंध किया जाता है। जो लोग दिव्यांग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भी पाल की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा करवाई जाती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आरंभ हो गया, आज से प्रथम नवरात्रा है और माँ भगवती के कई लोग जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, माँ भगवती से मनोकामना करते हैं और मनोकामना में चुन्नी बांधते हैं माँ से मनोकामना करके, और जब उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस चुन्नी को वो माता को खोल करके माता के चरणों में अर्पण करके, और उसके साथ जो भी वो भेंट अर्पण करना चाहते हैं, भेंट और जो भी मन्नत मांगी होती है, जैसे कोई भंडारा करता है, कोई हवन कराना चाहता है, तो वो लोग आकर करते हैं। और नवरात्रों में इस नील पर्वत का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है।